हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास ऑफ ग्रामेटिक्स ऑफ क्लास सेकेंड. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, योर टू क्लासेस ओवर इन विच आई हैव गिविंग यू एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर एंड एक्सरसाइज ऑल्सो दैट इज़ कम्प्लीटेड. टुडे इज़ योर थर्ड क्लास, पार्ट थर्ड. एज आई ऑलरेडी मेंशन हियर इज़ योर थर्ड क्लास. And today I will give you test, a little test that is your revision test of lesson number first. After that, I will explain you your lesson number two and I will give you exercise A. Today, I will give you explanation of second chapter and exercise A also. So, come on, take out your book. This is your book and your test is here. It is of 20 marks. This is of lesson number first. You all have to write down all the questions in your copy. English first copy you can write. Please don't cheat. You all have learned, I hope, because I have given already in homework. This total 20 marks paper you all have to do with neat and clean writing. In next class, I will give you answers, but this week you have to complete this homework. As homework means this test you have to complete. In first question, fill in the missing letter. In lesson number first, it is already there. Fill in the missing letters. Missing letter you have to complete. Now B question, rearrange the jumbled names. Here is sports name, you all have to rearrange it. Now C, combine the names to make compound words. You all have to combine these words and after that you have to make a compound word. Cup plus board, honey plus bee. And D, match the following compound words. As I already told you to write the numbers on the matching, you all have to write the numbers on the matching. When I will give you answer sheet, I will also give you in number way. I will write the numbers of the matching. So students, write down, take a screenshot, pause video. You all are able to write this paper. After it, open page number 12. Your new chapter is the sentences. It is your second chapter, the sentences. Now come on the explanation. First I will explain you all the chapter. Your first line is here, you can see. When we have a thought, we speak or write using words in groups. These groups must make complete sense. जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम वो उस चीज़ के बारे में कुछ बोलते हैं और उसमें वर्ड्स का ग्रुप होता है और उस बात का एक सेंस होता है. तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट वे, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. हियर, तो बच्चों, सेंटेंस क्या है? सेंटेंस वर्ड्स का एक ग्रुप है, शब्दों का एक ग्रुप, समूह, जो एक पूरा सेंस देता है हमें, एक समझ की बात बताता है, उसे सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं. हिंदी में आपने पढ़ा होगा, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. तो ऐसे ही सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम कंप्लीट सेंस. हेयर इज़ योर फर्स्ट लाइन. अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर. हेयर आई कैन शो यू इन द लार्ज व्यू. सी, अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज बीइंग विद अ कैपिटल लेटर मीन्स जब भी हम एक सेंटेंस लिखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए. हेयर आई कैन शो यू. सी, हेयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लाइन. योर फर्स्ट लाइन इज हेयर. इट इज़ अ सेंटेंस. ही इज़ राइटिंग अ लेटर. वो एक पत्र लिख रहा है. तो ही इज़ अ फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस एंड एच इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस एंड दैट इज़ कैपिटल. और यू कैन सी हेयर आई हैव रिटन स्मॉल. सो एच इज़ कैपिटल हेयर. नाउ कम ऑन अगेन सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन हेयर.
Second line here, the word uses in the sentence must be in their proper order. हमेशा एक जो सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं वो हमेशा प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए. इसकी एक्सप्लेनेशन हेयर यू कैन सी. सेकंड लाइन एक्सप्लेनेशन, इज राइटिंग लेटर अ ही इज इन इज इट इन अ ऑर्डर. नो, ये एक ऑर्डर में नहीं है. हेयर आई हैव रिटन ही इज राइटिंग अ लेटर, दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर. ये अगर आप पढ़ें तो आपको क्या सेंस समझ में आ रहा है इस लाइन का, इज़ राइटिंग लेटर ही. नो, सो ही इज़ राइटिंग अ लेटर. तो ये आपका सही ऑर्डर है और एक सेंस दे रहा है. तो ये आपकी सेकेंड लाइन का मतलब हुआ. नाउ थर्ड लाइन इज़ पंक्चुएशन मार्क्स एज अ फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क मस्ट बी यूज एज द एंड ऑफ अ सेंटेंस. Here already given example, punctuation marks बेटा full stop, question mark और exclamation mark को हम कहते हैं punctuation marks. तो जो हम sentence के end में लगाते हैं, जैसे first है the computer is a wonderful invention of science, full stop. Which city do you live in? Question mark. क्योंकि हम यहाँ एक question पूछ रहे हैं. When a intelligent student what a intelligent student you are. हम किसी की तारीफ कर रहे हैं और तो इसलिए इसमें लगता है exclamation mark. Here you can see full stop. This is the symbol of full stop. Here is the symbol of question mark. Here is the symbol of exclamation mark. So this is the explanation of your the sentence chapter second chapter. Now again see here the last line, always remember the presence of a verb in a sentence is necessary to make complete sense. Here is a verb jo here where verb ko kehte hain kriya. तो जो हम काम करते हैं वो वर्ब होती है उस सेंटेंस की. ही इज़ राइटिंग, वो लिख रहा है, तो वर्ब की प्रेजेंस ही सेंटेंस का सेंस बताती है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गेट द एक्सप्लेनेशन एंड द मीनिंग ऑफ ऑल द लाइंस ऑफ दिस चैप्टर. नाउ आई विल गिव यू एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 12. स्टूडेंट्स, you all have to write all the exercise in your book. If you are not having book, you can do in your copy. And your question of your exercise A is complete the following sentences use full stop at the end of these sentence. Means all the sentence which you have to make, you have to put full stop. There will be no question, only full question mark, only full stop you have to put. Your first already subject part is there. So, they, my friend, third India, same as on page number 13, your exercise will end on page number 13, 9, 10. So, come on the answer of this exercise. Here, I have written all the question. Here's a date, chapter name, chapter number, exercise A. And your first is they are dancing. They are dancing because already they written there. The another part of this sentence is are dancing. After that I had already put it see full stop here. Okay, my friend, next is my friend is very kind. Mera friend bahut dayalu hai. Third, India is a big country. Fourth, these are red flowers. We all are friends. The earth is a planet. Your uncle is a teacher. I am a student. And ninth, it is a beautiful painting. There is a car. So student, this is the exercise A and here is the question and here is the answer. These all are answer of exercise A. You all have to write it neatly and cleanly in your book. Students, it is sufficient for today and your today's homework is to complete that test which I have given you and to write this exercise in your book. It is sufficient. In next class, I will give you another exercise. But today, thank you and have a nice day.